सिवान लोकसभा चुनाव का सरगर्मी जो है तेज हो चुका है। सभी प्रत्याशी जो है क्षेत्र भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। इसी बीच जो है चर्चा एक चीज और चल रहा है कि जीवन यादव चुनाव मैदान में आ सकते हैं, लेकिन जीवन यादव का जो है अनाउंस नहीं हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे। आइए इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या चुनाव मैदान में कब आ रहे हैं, मीडिया के सामने जो है कब अनाउंस करेंगे। सबसे पहले जीवन जी आपका स्वागत है। नमस्कार। जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि जीवन यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, असमंजस बना हुआ है। ये तो हम भी जानते हैं, हम तक भी मैसेज आता है। हम तो यही चाह रहे हैं, हमारा स्लोगन है जनता की चाह वही जीवन यादव की राह। जिस दिन जनता की चाह हो जाएगी उस दिन मुझे महसूस हो जाएगा, उस दिन हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होता है, बड़ा चुनाव है कि हम उसमें है कि नहीं, जब होंगे तभी लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, ना ही मैं किसी चुनाव हारने के लिए लड़ूंगा, ना किसी को हराने के लिए लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो जीतने के लिए। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं जीत सकता हूं तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी इंतजार है। आपके जो है अनाउंस के बड़े बड़े नेताओं का भी जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि जीवन यादव कब जो है अनाउंस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, इस पर क्या करेंगे। इसीलिए तो मजा आएगा, जब हम भी जब अनाउंस करने का समय आएगा उस दिन देखिएगा क्या हो रहा है। लेकिन ये जरूर सत्य है कि लोग चुनाव में आते हैं, तैयारी करते हैं, लड़ते हैं, जीत हार उनकी अलग होती है। हम 24 घंटे 12 महीना न बरसात है, न गर्मी है, न ठंडा है, हम तैयारे रहते हैं। नगर परिषद चुनाव जब था, आप कैंप जब लगवाते थे तो बहुत सारे जो लोग कहते थे कि कैंप जो ये लगा है चुनाव के लिए ही लगा है, लेकिन चुनाव के बीत जाने के बाद भी अभी तक कैंप चल रहा है। अभी कैंप आज लगा था तो लोग कहेंगे कि एमपी बनने के लिए लगवा रहे हैं, अभी बीत जाएगा तो वो लगेगा तो लोग कहेंगे विधायक बनने के लिए लगवा रहे हैं, उसके बाद बीत जाएगा तो लोग कहेंगे कि भाई कहने वाले का तो काम है, कहते रहना, वो कहते रहेंगे। जो समझदार लोग है वो जानते हैं कि हम क्यों लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और लोग कह रहे हैं कि गोरखपुर बनाने के लिए, तो इस बार सिवान का सांसद जब आप बन जाइएगा तो इसको क्या बनाइएगा। बने तो नहीं है, लेकिन जब बन जाएंगे, हम जैसे आदमी बन गया तो फिर इतिहास बनेगा सिवान। सिवान का जो सिचुएशन है नगर परिषद, देखिए वो भी डायरेक्ट हम उस कुर्सी पे नहीं है, फिर भी जितना काम कर दिए हैं कर रहे हैं उतना। सभी वार्डों में तो काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा है उसको लोग नहीं कर रहे हैं। 35 साल में आज तक नहीं हुआ जो हम उस कुर्सी पे। राजेंद्र पार्क कब बना था, स्ट्रीट लाइट कब लगा था, किसी के रीजन में लगा था, नहीं कभी नहीं हुआ। तो वही तो कह रहे हैं कि कुर्सी पर ना रहते हुए इतना कार्य किया, जिस दिन कुर्सी पर बैठेंगे सोचिए कितना कार्य होगा। ये तो जनता जनार्दन मालिक है कि भाई किसको लाना है, कैसे लाना है। फिर भी तो जीवन यादव से सवाल लोग करते हैं, आप चेयरमैन नहीं है फिर भी आपसे सवाल लोग करते हैं। सवाल करेंगे क्योंकि चेयरमैन का भोटवा तो लोग हम ही को ना दिए हैं, तो हम काम कर रहे हैं। और जिस दिन एमपी का चुनाव लड़ते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो सवाल लोग हम ही से करेंगे। तो सिर्फ हम ही से सवाल मत कीजिए, ये जो लोकसभा का चुनाव, जनता अगर सवाल करनी है तो उन चेहरों से करे जो पहले से चुनाव में विधायक एमपी रह चुके हैं कि आपने क्या किया है, दिल्ली से लेके पटना तक, पटना से लेके सिवान तक आपने क्या किया है। तो घर खरीदा है, जमीन खरीदा है, बहुत सारी व्यवस्था है, बिजनेस खरीदा है, बनाया है, सबकी हिस्ट्री को सब कोई जानता है। फिर भी जनता पता नहीं क्या होता है, हम जैसे लोग सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, फांते रहते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। और वही जुमलेबाज लोग आएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, फिर 5 साल गायब रहेंगे। इस 5 साल जैसे 3 साल से हम लगातार घूम रहे हैं, 3 साल में हमारी मुलाकात कभी किसी नेता से नहीं हुई। रोड पर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, भोर तक मैं घूमता हूँ, कभी किसी से मुलाकात नहीं होती है। लेकिन जैसे ही चुनाव आ गया ना, मैं 1 बजे रात को छोड़िए ना, 9 बजे रात को जाऊंगा चाहे 3 बजे भोर में जाऊंगा, मुलाकात होना ही होना। क्योंकि अब चुनाव आ गया ना, ये मेला है, अब रात को 3 बजे नेताजी लोग मेला देखे मिल जाइए, मेला दिलों का आता है। हाँ, तो वही मेला है, अब इसमें कुछ खरीदना है ना, तो उसमें गाना भी निकला, खरीदना है, दिलों का आता है, लुभा के चला जाता है, लुभा के चला जाता है, वही हाल होगा, फिर से वही होगा। देखिए, हम भी जनता में से एक वोटर हैं, हम इतना जानते हैं कि जुमलेबाजों से दूर रहिएगा तभी सिवान का और आपका विकास होगा। अच्छा, एक चीज और, स्लोगन आपका निकला हुआ है, सब दल दलदल है, जीवन यादव निर्दल है, इससे क्या मतलब समझाइए। इससे मतलब क्या है, जब जनता की इच्छा होगी जीवन यादव की राह होगी, अगर चुनाव हमको लड़ना होगा तो अनाउंस हम जरूर करेंगे। लेकिन अभी हमें बहुत समय है, अभी हम जनता की चाह देखना चाहते हैं कि जनता की चाह क्या है। अगर जनता की चाह अभी की सुन रहे निर्दल है तो देखा जाए अगर निर्दल में कौन कौन आ रहा है, टकराव अगर हमारी जरूरत पड़ेगी कि हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं तो हम जरूर आएंगे। अच्छा, युवा जो है कहीं भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं सिवान का अगला सांसद कौन, तो जीवन यादव,
और तो युवा कह रहे हैं, और कोई कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हम यही है कि युवा हमारे भाई है, बंधु है, वो हमसे प्रेम करते हैं तो कह रहे हैं। जिस दिन जो माने हम उस लायक महसूस कर लेंगे कि हम उस लायक हैं तो उस फील्ड में जरूर कूदेंगे, तैराकी मजबूत कर रहे हैं। नगर परिषद चुनाव में भी तो आपने नहीं सोचा था कि इतने भारी मतों से आप चुनाव जीतेंगे। उस समय भी लोग जो है चुनाव से 10 से 15 दिन के बाद आप चर्चा में आए, एक साल से मेहनत कर रहे थे, तो इसीलिए तो हम इसमें भी तो कह रहे हैं कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भी डिसीजन नहीं लिए, नहीं लड़ेंगे ये भी नहीं कहेंगे, लड़ेंगे ये भी नहीं कहेंगे, डिसीजन में वक्त है, जिस दिन डिसीजन लेंगे उस दिन हमारी समस्त जनता जनार्दन हमारे युवा भाइयों को जब जानकारी होगा, जो हमसे प्रेम करेंगे हमारे साथ होंगे और हम लोग दमखम से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सिवान देख रहे हैं कि मतलब अपराध का जो है एक तरफ से गढ़ बनते जा रहा है, आए दिन जो है मर्डर लूट छिनेती, लेकिन इसमें जो है किसी प्रकार से जो है किसी का अंकुश, इसका तो बहुत अच्छा सवाल है। नेताजी लोग आए हैं ना, बोल रहे हैं ना कि अपराध मुक्त सिवान बनाएंगे, और जब विधायक एमपी थे तो अपराध मुक्त बनाने का व्यवस्था तो नहीं था कि कुछ समय तक तो कुर्सी मिल गई थी, काहे हम किसी अपराधी से दुश्मनी करेंगे, और जब बीत जाता है तब अपराध मुक्त सिवान बनाएंगे, अपराध शिशुन ढाला कई वर्षों से ढाला बनवाएंगे, कचौरी ढाला बनवाएंगे, का बनवाने लगे कहेंगे कि एफिल टावर बनवाएंगे, सिवान जिला में हम लाल किला बनवाएंगे, हम तो कोई और बहुत तेजी होगा तो कहेगा कि हमको विदेश में क्या है भुज खलीफा, हाँ नहीं हाथ उठाया हुआ है उसको, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनवाएंगे। बहुत बुरा, जब नेता झूठे बोल के बनना है तो क्या करना है भाई। जनता जागरूक, जनता चालाकी से अगर वोट करे तो उन नेताओं के लिए सबसे बड़ा थापड़ तो ये वोट है, एक वोट कि भाई अगर आके हमको जुमलेबाजी पढ़ाओगे तो एक झापड़ मारेंगे ऐसे ही अंगूठा से, एक झापड़ अंगूठा से मारेंगे ऐसे ही खत्म हो जाओगे। तो जनता जनार्दन मालिक है, इस बार तो जवाब मिलेगा, अभयंकर रूप से मिलेगा। क्योंकि देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, इस बार शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत ऐसी हुई है कि पक्का है कि इस बार कोई बढ़िया चेहरा ही चुनाव जीत के आएगा। बढ़िया चेहरा मतलब, मतलब कि नया चेहरा आएगा जो कारगर होगा, जो मेहनती होगा। धोती कुर्ता का जमाना लद गई, तो तेजस्वी जी ने मोदी जी भी कहो, तो मोदी जी तो लाल किशन अडवाणी के हटा दले, लाल किशन अडवाणी बबरी मस्जिद रहे प्रधान है ना, तो उस तरह से देखिए भाजपा भी बूढ़े लोग को हटा रहा है संघ में भेज रहा है, और तेजस्वी जी भी सुन रहे हैं कि बूढ़े लोग को हटा के संघ में भेज रहे हैं, मैंने उनका अलग संघ है, जैसे आरजेडी में कोई बड़ा पोस्ट देकर हटा देंगे, लेकिन हमको पता है कि युवाओं का समय आने वाला है, युवाओं का समय आने वाला है, आ गया है, आने वाला नहीं है, नहीं है। अगर नहीं आया तो तेजस्वी जी, अभी लालू जी जिंदा है फिर भी तेजस्वी जी अपने पूरे बिहार को अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं का समय आ गया है। तो नगर परिषद में काम बोला था का स्लोगन दिए थे, इसमें स्लोगन दिए नहीं, जनता की चाह वही जीवन यादव की। चलिए होली की शुभ अवसर पे समस्त जनता को दिल से प्रणाम, और आग्रह करेंगे कि आप लोग आपसी सद्भाव के साथ होली मनाएं। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान, बंधन पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण, सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पाटे, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।